गाइस तो स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज है छोटी दिवाली। तो अभी मैं जा रहा हूँ सचिन के घर, आपको मिलवाना है। जो मेरा फ्रेंड है जो बाहर से आया है, तो मैं भी उससे आज मिलने जा रहा हूँ। तो साथ में दिवाली का गिफ्ट ले जाऊँगा, दोनों काम हो जाएंगे, उससे मिल भी लूँगा और दिवाली का गिफ्ट भी। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ एक 18 सेक्टर में, स्वीट कॉम के नाम होम स्वीट करके शॉप है। तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट है, मिठाइयाँ वगैरह हैं, बिस्कुट है, तो मैंने ये लिया। सुबह सुबह का टाइम है, आप एक बार व्यू चेक कर लो सेक्टर 18 की मार्केट का। लोग अभी सुबह से ही आने लग चुके हैं क्योंकि कल तो दिवाली है, किसी ने जो भी घर का सजावट का सामान लेना है, मिठाइयाँ वगैरह, वो आज ही ले जाएगा। तो अभी सुबह सुबह देखिए आप, कुछ लोग आ रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे गिफ्ट पैक हो रहा है, मिठाई जो ली है मैंने। ये ओम स्वीट शॉप है, बहुत ही मशहूर शॉप है। गाइस ये पैकिंग करवाई है, तो अभी चलता हूँ। बाहर क्या हो गया? पानी आया कनेडा से। और इक्के आया रे, यूं पकड़ लेना बस। उधर भी जा रहा हूं, कपड़े खराब है। मैं ब्लॉग बना रहा। तो गाइस अभी मैं बैठा हूँ सचिन के घर, 2.5 साल बाद मिला है मेरे को। तो अभी हम इसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, इसने 2.5 साल क्या किया वहाँ पे, तो बता भाई। भाई करण ने क्या करा यार, जो मेन मोटिव अपना वो पूरा करेगा। इंग्लिश में बता यार, हिंदी तो सबको आती है। इंग्लिश आई डोंट नो टू मच इंग्लिश मैन, यू नो भाई। अपना वही यार दिहाड़ी कराया करते, काम कराया यार। जब तक तो अपना कॉलेज रहा, जब तक भी अपना काम कराया, ये मेन मोटिव वहाँ पर यही था भाई, अपना जाकर लाइफ सेटलमेंट करनी है, जॉब किस तरह आपको चलेगी, स्मूथ लाइफ हो। हाँ पर लाइफ में बहुत स्मूथ है भाई, बहुत चीज़ फ़र्क है यहाँ तो और वहाँ पर। और तो भाई क्या बताऊँ मैं, दिन रात का फर्क है, दिन रात का फर्क अपना वही। अब टाइम चेंज हो गया ना, फिर 10.5 घंटे का फर्क हो गया, पहले अपना 9.5 घंटे का फर्क हो गया था। यानी कि जिस तरह अपने वो टाइम जोन चेंज होता रहे। और भाई जो मेन चीज़ है यार वहाँ पर थोड़ी सी है ना यार, लाइफ कैसी बताऊँ, बहुत एडवांस नहीं कह सकते यार, ओपन माइंडेड है। जिस तरह यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर ना, पड़ोसी पानी आ गया मेरे घर के इधर, वो आ गया, ये चीज़ लोग मैटर नहीं करते गोरे बिल्कुल भी। यहाँ आया आज सुबह देखा था, इस टाइम बाहर खड़े थे हम अपने घर के बाहर खड़े, आज भी हमारे पड़ोसी लड़ने लग रहे आपस में। पुलिस बता रहे, पुलिस वहाँ की भाई बहुत कमी है। मेन बात यह है वहाँ पे कि पुलिस सुपीरियर नहीं है, जैसे यहाँ पर अपने यहाँ पे है ना कैनेडा में ना, सॉरी इंडिया में, इंडिया में क्या चीज़ है भाई, पुलिस थोड़ा अपनी मर्जी चलाऊगा, वहाँ पे पुलिस वाले की कोई मर्जी नहीं है। अगर पुलिस वाले ने आप पकड़ नहीं हुए तभी वो पहले परमिशन ले होगा, अगर उसके पास पूरे डॉक्यूमेंट है सब कुछ है। मारना तो बहुत दूर की बात है यार, बहुत दूर की बात है।
तो मारना तो बहुत दूर की बात है भाई, मार तो मुझे सोचते नहीं। आप देखे पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले लग रहे हैं, डंडा लेंगे, डंडा लेगा रोड पे, ये कर दिया तू यार। ट्रैफिक पे यार एक तो अपनी गलती है यार। हाँ भाई मैं मानू, मैं 8-10 साल यहाँ पे गाड़ी चलाई है, बाइक चलाई है, अब यहाँ डर लगा यार रोड पर उतरते हुए भी। वहाँ पे कि रूल रेगुलेशन बहुत अच्छी है और लोग उस चीज़ में फॉलो कर रहे हैं जो यहाँ पे फॉलो नहीं करते। बाकी का एक्सपीरियंस अगली वीडियो में शेयर करें। एक्सपीरियंस यार मैं पूरी वीडियो बढ़ाऊंगा एक, ठीक है भाई के चैनल पर देखियो तुम आराम से। और तो क्या बताऊँ यार, यही लाइफ यही दो चीज़ में फ़र्क हो गया है। वहाँ का कल्चर थोड़ा अलग है, यहाँ का थोड़ा कल्चर थोड़ा अलग है। वहाँ थोड़ा ओपन माइंडेड लोग हैं, यहाँ फिर वही अपना कास्टिज्म आ गया, ये आ गया भाई, ये वो है, तो वो चीज़ अच्छी लगती नहीं यहाँ पे यार। हम चल, मैं फिर भी जो चंडीगढ़ में हूँ, अपने डिफरेंस है भैया। मैं अपने यहाँ था और एक गाँव तक कंपेयर करूँ ना तो बहुत फ़र्क है। आज भी है भाई, नहीं चेंज होया, नहीं चेंज हो सकते अपने लोग यहाँ के। चल ठीक है भाई, एक पूरी वीडियो फुल एक्सपीरियंस कैनेडा की भाई के चैनल पर बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। मैं शेयर करूँगा यार आराम से। ठीक है भाई, ओके जी, सी यू, बाय बाय।